दोस्तों आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फिश फ्राई की रेसिपी। अगर आप भी इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हर दिन ऐसे ही रेसिपी को देखने के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों हमने इसको बनाने के लिए लिया है 600 ग्राम शेयर फिश, ये स्किन आउट और बोनलेस है। आप चाहे तो विथ बोन भी बना सकते हैं, और विथ बोन के साथ आपने स्किन हटा देना है। अब इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए हमने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लिया है फिश फ्राई मसाला। फिश फ्राई मसाला की जगह आप गरम मसाला भी ले सकते हैं। हमने नमक लिया है स्वाद के अनुसार, लगभग आधा चम्मच। साथ में हमने स्पाइसी करने के लिए चिल्ली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। और इसमें लिया है हमने एक छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हमने लगभग आधा लेमन जूस लिया है। अब हम इसको साफ हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। फिश के पीस बहुत सॉफ्ट होते हैं तो ये टूटने के चांस रहते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के लगभग 10 से 15 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम बाकी तैयारी करते हैं। इसके कोटिंग के लिए लिया है हमने 4 टेबल स्पून बेसन। बेसन में आप चाहे तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी मिक्स कर सकते हैं। हमने लिया है इसमें लगभग आधा चम्मच नमक, और थोड़ा सा लिया है हमने इसमें फिश फ्राई मसाला, और इसमें लिया है थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स भी। इसका कोटिंग बहुत अच्छा आएगा इसमें, और इसको एक चम्मच के मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दोस्तों इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम इसकी कोटिंग को अप्लाई कर देते हैं। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। हमने फिश ले लेना है, और हमने एक फिश के पीस को देखिए इस तरह से लें और बेसन के ऊपर अच्छे से लपेटना है। देखिए इस तरह से, बिल्कुल भी ये गीला नहीं रहना चाहिए। इस तरह से सभी पीस को सेम इसी तरह से कोटिंग कर देना है। देखिए सभी फिश तैयार हो चुका है। इसको हम 5 मिनट और रेस्ट करते हैं, तब तक हम चटनी और सलाद रेडी करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने लहसुन लिया है 10 से 12 कली, और इसमें लिया हमने 2-3 चम्मच लगभग हरा धनिया, उतना ही हमने पुदीने का इस्तेमाल किया है, और आधा टमाटर लिया है। टमाटर के साथ ही हमने लिया है 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, और आधा चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार। और थोड़ा और चटपटा करने के लिए हम इसमें थोड़ा लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा पानी का ज़रूरत लगे तो पानी डाल के अच्छे से बारीक पीस लें। हमारी चटनी बन चुकी है। अब बनाते हैं सलाद। ये फिश के साथ बहुत अच्छा सलाद है, इसको ज़रूर बनाना। 2 मूली लिया है। मूली कच्ची होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। और छील के देखिए इसको मोटे साइड से क्रश कर लेंगे। मूली को हमने क्रश कर लिया है। बहुत बारीक करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा, इसलिए आपने मीडियम साइज में क्रश करना है या मोटा मोटा करना है। क्रश करके हमने इसको एक बॉल में ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा हरी मिर्च लिया है और थोड़ा हरा धनिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो हरी मिर्च को स्किप कर दीजिए, सिर्फ धनिया रखें। और इसमें नमक डालेंगे दोस्तों। नमक आपने तभी डालना है जब आप इसको सर्व कर रहे होंगे, नहीं तो नमक डालने से इसमें काफ़ी मॉइस्चर आ जाता है। थोड़ा सा हमने ब्लैक पेपर पाउडर का इस्तेमाल किया है, ये ऑप्शनल है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा सलाद भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फिश को फ्राई कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद देखिए फिश अच्छे से सेट हो चुकी है। अब तेल को गर्म कर लें। हमने इसमें लगभग 400 ml तेल का इस्तेमाल किया है। तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना है। ठंडे तेल में डालेंगे तो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे और तेल भी ख़राब हो जाएगा। पहले एक पीस को डाल के देख लें, ये अच्छे से फ्राई होना चाहिए तभी बाकी पीस डालें। तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है।
तीन से चार मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए बहुत अच्छा क्रिस्पी और कलर आया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिश परफेक्ट फ्राई हुई है। अब बाकी सभी फिश को इसमें ऐड कर देंगे वन बाय वन। अभी भी तेल का फ्लेम हमने हाई में रखा है। जैसे ही फिश को पूरा डाल दें और अच्छे से गर्म हो जाए, गैस का फ्लेम मीडियम कर दें जिससे कि अच्छे से अंदर तक पके और कलर भी बहुत अच्छा आए। दो मिनट के बाद साइड को चेंज कर लेंगे। इसको टोटल फ्राई करने में हमें चार से पाँच मिनट ही लगेंगे। ये फिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। हमने ड्राई कोटिंग अप्लाई की है तो ये और भी जल्दी फ्राई हो जाएगी। तो देखिए परफेक्ट कलर आ चुका है पाँच मिनट के बाद। अब हम एक छन्नी के मदद से इसको निकाल लेंगे। छन्नी से निकालते समय ध्यान रखें, तेल इस तरह से निकालेंगे तो तेल ज़्यादा नहीं आएगा, और थोड़ा सा आ भी जाए तो आप किसी नैपकिन पेपर के ऊपर रख के पूरा तेल को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए परफेक्ट कलर आया है। अब बाकी बची हुई फिश को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। सेकेंड टाइम में अगर तेल ठंडा होगा तो तेल को गर्म होने तक वेट करें। अगर तेल में कुछ छोटे छोटे पीस बचे हैं तो उसको निकाल के फेंक दें। उससे जल तेल ख़राब हो जाता है और जलने की स्मेल आती है। तो देखिए हमारा फिश फ्राई हो चुका है दोस्तों। अब आप चटनी और सलाद के साथ इसको आराम से सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर दिन 2 बजे एक नई रेसिपी के साथ आते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। बाय दोस्तों, थैंक यू।